के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी तक 5 व्यूवर्स आ गए, थोड़ा हम वेट करते कितने आते देखते, उसमें 6 आ गए। तो बस आज मुझे स्टार्ट करना निफ्टी के बारे में, और एक चीज बोलना है मुझे कि क्या बोलते हैं उसको, मैं फर्स्ट टाइम लाइव कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो सकता है, तो थोड़ा बेयर कीजिए मेरे साथ, ठीक है। और वीडियो 10 सेकेंड के आसपास लैगिंग हो रहा है वीडियो। कृणाल जी थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। आप सभी का स्वागत है फिर से, अर्पित, प्रमोद, कृणाल, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। देखता हूँ कितने लोग आते हैं लाइव में, और आप जो भी क्वेश्चन है आपके स्टॉक रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो। बस इतना बेर रखना कि मेरा वीडियो थोड़ा सा 10 सेकेंड लैगिंग है, मैं काफी कोशिश किया हूँ कि नहीं हो पा रहा है, मतलब उससे कम में, पहले 20 सेकेंड तक था, अभी 10 सेकेंड में आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कितने आते हैं इसमें। तो ये आपके सामने जो है वो निफ्टी का है आउटलुक। निफ्टी के बारे में, जैसे कि मैं आपको स्टार्ट में बोला कि निफ्टी के बारे में बात करें। हाय रश्मि, हाउ आर यू? तो अभी स्टार्ट करते हैं। प्रमोद हेलो, कृणाल जी हाय, अर्पित सिंह हाय, अशोक हाय, रश्मि मैथ्यू हाय। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। आपके सामने जैसे कि मैं आपको बोला था कि निफ्टी निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, जितना हो सके टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाले वीडियो बना के शेयर कीजिए जब भी टाइम हो आपको। कृणाल जी थैंक यू आपके कमेंट के लिए। तो अभी मैं जैसे कि आपके सामने निफ्टी के बारे में बोल, थोड़ा वेट करूँ या स्टार्ट करूँ? प्रमोद जी आपका जो मैसेज है, कैन यू हेल्प मी क्रिएट पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर। सेक्टर वाइज देखो ऐसा नहीं देखा जाता है, सेक्टर वाइज जो सेक्टर जब चलता है तब देखेंगे हम कि कैसा चलता है। जैसे कि इसके पहले जब फार्मा सेक्टर काफी अच्छा चल रहा था तो फार्मा सेक्टर के काफी स्टॉक्स दिए थे। उसके बाद अभी मुझे सीमेंट सेक्टर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें से 2 मैंने दिया हूँ स्टॉक। अर्पित सिंह हेलो, अमोल जी हाय, विनीत हाय। ओके अशोक जी, वेट करता हूँ मैं 2-3 मिनट के लिए, वेट करता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा वेट कीजिए 5 मिनट। अर्पित जी ठीक है, मैं वेट करता हूँ 5 मिनट। कम हो गया ना? वी वॉन्ट साइबर टेक। प्रमोद जी ये साइबर टेक क्या है मुझे पता नहीं, देखते हैं साइबर टेक कैसा है। तो अभी थोड़ा स्टार्ट किए, 10 जन तो आ गए, 10 में से 2-3 लोग तो पहचान वाले हैं, देखते हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के आउटलुक के बारे में, ठीक है। मुझे अभी निफ्टी के बारे में, मैंने थोड़े दिन पहले मैंने ट्विटर पे मैंने किया था अपडेट, अभी एक मिनट, मैंने ट्विटर पे मैंने और ये किया था, क्या बोलते हैं उसको, मैंने अपडेट किया था। मैं आपको जरा लेवल उसका चार्ट दिखा देता हूँ ट्विटर पे। मैंने बोला था बी रेडी फॉर 12,000+, तो उसका क्या बेसिस था उसको मुझे वो दिखाना है, ठीक है। एक मिनट में पहले मेरा ट्विटर का जो था वो दिखा देता हूँ आपको, मेरा प्रोफाइल यहाँ पे है प्रोफाइल। लक्ष्मी इधर है ट्विटर, ये मैंने ट्विटर पे मैंने चार्ट शेयर किया था थोड़े दिन पहले, और मैंने बोला था कि 12,000+ इसके टाइम पे मैंने ये ब्रेकआउट लेवल लग रहा था मुझे यहाँ पे जो है। और उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे लिखा है निफ्टी सीएमपी जो 11,416 था, और जब 450 के ऊपर क्लोज देगा तो 10-20+ आगे पीछे 650 और 800। उसके बाद मैंने अपडेट दिया था कि 12,000 के आसपास जाने वाला है निफ्टी, तो
तो अभी निफ्टी कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उसके बारे में बोलेंगे। हाय सुरेश, हाउ आर यू? JSW स्टील ब्रेकआउट दिया है, हो सके तो उसके बाइंग लेवल्स टारगेट ऐसे में शेयर कीजिए। ठीक है कुणाल जी, मैं JSW नोट कर लेता हूँ। अभी JSW के बारे में, JSW स्टील के बारे में बताता हूँ आपको। और एक बार निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था। निफ्टी के बाद में JSW स्टील के बारे में मैं आपका क्वेरी लेता हूँ, ठीक है? तभी मैं आपको निफ्टी के बारे में स्टार्ट करता हूँ। ये जो निफ्टी का है आपके सामने, जो डेली चार्ट है, तो अभी जैसे कि जब भी आप स्टॉक देखते हो तो आप क्या देखते हो उसमें, कि मेरा स्टॉक जो मेरे मेरे पास जो है उसका ट्रेंड क्या चालू है। तो एक सिंपल सा एक है कि एक एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, दिख रहा है आपको? अगर investing.com यूज करते हो तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है? तो अभी देखो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अब ऊपर की तरफ ही चल रहा है। अब मैं सेव कर देता हूँ निफ्टी यूट्यूब। तो ये निफ्टी का जो ट्रेंड है ये वो अपर ट्रेंड है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने शायद एक अपडेट भी दिया था कि ये ना निफ्टी का जो अपर ट्रेंड है रिटेस्ट होने वाला है। यहाँ पे रिटेस्ट हुआ था, दिख रहा है आपको? यहाँ पे जो ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन था जो ऊपर की तरफ, यहाँ पे जो रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट के बाद इसका निफ्टी का ब्रेकडाउन आया है। हाँ अभी आ रहा है यूट्यूब पे, जो मैंने पहले कर दिया है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ पे जो निफ्टी रिटेस्ट हुआ था यहाँ पे, हाँ ओके प्रमोद जी, साइबर टेक स्टॉक का नाम है, ठीक है? मैं साइबर टेक भी देखता हूँ JSW स्टील के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है, यहाँ पे ना निफ्टी का जो अपर ट्रेंड लाइन था वहां से रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्ट होने के बाद देखो आप ब्रेक आउट नहीं दिया है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, स्टॉक जो ब्रेकआउट देना चाहिए उसके बाद रिटेस्ट होना चाहिए, तो ये यहाँ से ब्रेकडाउन दिया है और यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, और रिटेस्ट होने के बाद अभी भी वो रिटेस्ट चलने वाला है। अभी जो रिटेस्ट का लेवल है निफ्टी का, जो ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट का लेवल है 12,289। तो मैंने जो निफ्टी के बारे में मैं बोला था बी रेडी फॉर 12,200, तभी मैं आपको एक ये लाइन निकाल देता हूँ पहली बात तो। तभी मेरा निफ्टी का अभी अभी कैसा लग रहा है निफ्टी, मैं आपके सामने जो टाइम फ्रेम है वो डेली है। मैं एक बस एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, प्राइस लाइन निकाल दिया मैंने। तो ये निफ्टी का जो डेली का जो है स्पॉट, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे, ये जो है ना ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का ये आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे एक दो दिन तीन दिन, मतलब जैसा कि मैं नॉर्मली बोलता हूँ 2 या 3 दिन होना चाहिए, 2 या 3 दिन से ज्यादा ही हो गया है, ठीक है? जो भी नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए अभी 14 दिखा रहे हैं लाइव। तो अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, निफ्टी के जैसे कि मैं बोलता हूँ निफ्टी स्टार्टिंग में मैं चालू करूंगा आउटलुक के बारे में। तो अभी निफ्टी का कैसा हुआ है यहाँ पे, ये फिर से ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट का था वो ब्रेकडाउन दे दिया है। मतलब ब्रेकडाउन देने के बाद ये जो हैमर है, ठीक है, अब टिपिकली हैमर नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा सा वेट करना होगा कि इसका नेक्स्ट कंफर्मेशन कहाँ पे होता है ये। तो ये कंफर्मेशन कब होगा, जब तक इसका क्लोज देगा नहीं तब तक। जो इसका क्लोजिंग है 11,789, तो कम से कम 11,800 के आसपास क्लोजिंग दे दे, तो इसके बाद इसका जो है क्या बोलते हैं इसको, 12,200 से लेके 12,300 के आसपास इसका नेक्स्ट रजिस्टेंस होना चाहिए निफ्टी का, ये डेली का है। तो जब भी आप देखते हो स्टॉक तो ट्रेंड देख लीजिए पहले, जैसे कि मैं ट्रेंड लाइन इसके पहले ड्रॉ किया था, उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी मैं आपके सामने दो, जैसा कि मेरा मैं नॉर्मली ऐड करता हूँ RSI और MAC, तो उसमें देखते हैं अभी RSI और MAC में क्या दिख रहा है नया। हाय विनय जी, हाय हाउ आर यू? तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभी जैसे कि मैं इसके हमेशा पहले बोलता हूँ कि अभी जब भी होता है आपका स्टॉक, जो भी होता है स्टॉक, वो स्टॉक में आपको क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो, आप रख सकते हो इंडिकेटर। इंडिकेटर रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंडिकेटर ये भी देखना है कि टाइम टाइम पे वो कैसे जाता है। कि देखो अभी इंडिकेटर आपको दिख रहा है यहाँ पे डाइवर्जेंस मैक का, वो नेगेटिव हो रहा है, ठीक है? और नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस अगर ये क्लोज करता है 11,800 का, तो ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेटर दिखेगा
सही होते वक्त, ठीक है। तो एनीवे वेट करते, 11,800 का क्लोजिंग देना चाहिए निफ्टी का, उसके बाद 12,200 से लेके 12,300 तक जा सकता है। विल बी निफ्टी वॉन्ट बी चौपी और वॉलेटाइल अहेड ऑफ यूएस इलेक्शन। प्रमोद जी देखो, यूएस इलेक्शन के बारे में मुझे अभी आइडिया नहीं है कब होने वाला है, बट निफ्टी का ओवरऑल आउटलुक सही है। आउटलुक मतलब मैं इसके पहले भी दिया था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं आपको जो बोला ना, 12,200 से लेके 12,300, तो आपको देखो ये निफ्टी का प्रीवियस रेजिस्टेंस है, इसका निफ्टी का ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है 12,430। तो एनीवे ये आने वाले दिनों में काफी मेजर होने वाला है। ओके अर्पित जी, 3 नवंबर है यूएस इलेक्शन, अभी 3 नवंबर को तो टाइम है, उसके पहले देखो कितना निफ्टी का मूवमेंट देता है। मैं नॉर्मली न्यूज बेस्ड देखता नहीं हूँ निफ्टी के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी सब चीज चार्ट में फैक्टर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर कंपनी है अच्छा जो रिजल्ट देने वाला है, तो रिजल्ट देने के पहले ऑलरेडी वो स्टॉक रनअप हो चुका होता है। मतलब ऐसा मैं ऐसा मानता हूँ कि नॉर्मली न्यूज आने के पहले जो भी स्टॉक्स है वो स्टॉक दिख जाते हैं उसके रनअप में, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा निफ्टी का आउटलुक है, जैसा कि मैंने देखा है। ये मेरा रिकॉर्डिंग में भी होगा तो मैं फिर से मैं कोशिश करूंगा, मतलब रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा मेरे इसमें, ठीक है। तो अभी जैसे कि था दो प्रमोद जी का, एक JSW स्टील और एक है साइबर टेक, तो अभी मैं JSW स्टील से चालू करता हूँ। अगर मुझे प्रमोद जी आप अगर लिख के बोलोगे कि आपका JSW स्टील जो है उसका टाइम होराइजन क्या है, मतलब कितना टाइम तक आपको होल्ड रखना है, तो वो अच्छा रहेगा, तो मैं वो हिसाब से टाइम फ्रेम देख के मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो आपके सामने है JSW स्टील है, चलो अच्छा दिख तो रहा है फिलहाल। आई ऑल्सो फील सेम, रिटेलर इज द लास्ट पर्सन टू गेट द न्यूज। अर्पित जी आपने सही बोला, नॉर्मली जो भी चीज है पहले रनअप हो जाती है, न्यूज तो बाद में आते हैं। तो न्यूज बेस पे ज्यादा मैं काम, जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ मेरे वीडियोस में, मैं कभी न्यूज बेस पे काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा जो भी चार्ट है चार्ट के सामने जो भी मुझे दिखता है मैं चार्ट में वही देखता हूँ। मैं फिलहाल ना प्रॉपर्टीज में जाके इसका ना प्राइस लाइन में निकाल देता हूँ, ठीक है। तो JSW स्टील यूट्यूब, चलो ये मैं सेव कर लेता हूँ। जो भी है साइबर टेक ऑल्सो नेक्स्ट वन है, ओके समबड़ी आस्क फॉर JSW स्टील, ठीक है। प्रमोद जी मैं आपको JSW स्टील के बारे में आपको मैं पूरा ओवरऑल दिखाता हूँ। मैं समीर जी, हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर आउटलुक ऑन पिरामिड एंटरप्राइजेस नाउ आफ्टर टचिंग। ओके समीर जी, मैं आपको पिरामिड एंटरप्राइजेस के बारे में भी बोलता हूँ, मैं जस्ट नोट डाउन कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में पिन कर दूँ। तभी तो 3 स्टॉक आ गए हैं, JSW आपके सामने है, तो मैं फिलहाल अभी JSW स्टील से चालू कर रहा हूँ। तो प्रमोद जी जैसे कि आपने मुझे बताया नहीं है JSW का टाइम होराइजन क्या है, तो मैं नॉर्मली स्टार्ट जैसा मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा मैं मंथली में जाता हूँ JSW स्टील के बारे में। चलो अच्छा तो दिख रहा है JSW स्टील, ये आपके सामने जो है JSW स्टील ये मंथली है, थोड़ा सा लैग हो रहा है, बट अभी इसमें मैं जितना भी कोशिश किया हूँ इसमें से ज्यादा तो नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब जितना भी मैंने देखा है इसमें। तो अभी तक वीडियो आया नहीं है, मैं ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ। हाँ आपके सामने जो है वो ये JSW के स्टील के बारे में है। अर्पित जी ठीक है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। एयरटेल के बारे में भी, एयरटेल भी मैंने मेरे वीडियो बनाया था इसके पहले, पर वो एयरटेल उतना चला नहीं। तो ये आपके सामने जो है JSW स्टील का मंथली है। मंथली में अभी मैं थोड़ा अपने इंडिकेटर, जैसे कि इसके पहले भी बोलो मैं सॉरी ऐड कर लेता हूँ, ये RSI और MAC, मुझे ये देखना है कि RSI और MAC ओवर टायर्ड हुए है या नहीं। तो हमें RSI और MAC ऐड कर लिया इसमें, ठीक है। तो मंथली JSW स्टील में RSI और MAC जो कुछ भी टायर्डनेस नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं क्या करूंगा इसको, उसके बाद मेरे को डेली टाइम फ्रेम में जाना है। मंथली में इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 314, तभी 314 क्या है, जब ये 314 जो दिखा रहा है मंथली में, ये आपको ना एक लेवल्स आएगा ना, ये मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 314 मंथली में JSW स्टील के बारे में। तो अभी मैं JSW स्टील डेली में लेके चलता हूँ, ठीक है। डेली में भी कोई टायर्डनेस नहीं दिख रहा है JSW स्टील। प्रमोद जी आप जिसने भी होल्ड रखा है उसको होल्ड रखने को बोलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। JSW स्टील में टायर्डनेस कुछ नहीं दिख रहा है, JSW में ब्रेकआउट दिख रहा है,
तो अभी मैं ब्रेकआउट जस्ट आपके सामने करके दिखाता हूँ। चलो ये तो नहीं होगा। तो अगर हम जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में तो उसमें तो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में जो आपके सामने है, हाँ अभी जी मैं आपको एयरटेल के बारे में बोलता हूँ। एयरटेल भी मैंने नोट डाउन कर लिया है। अभी टोटल जेएसडब्ल्यू स्टील, प्राइमरी इंटरप्राइजेस, साइबर टेक और एयरटेल, ये चार स्टॉक है। ये जेएसडब्ल्यू स्टील आपके सामने जो है वो एक यहाँ पे दिख रहा है, कोई फ्लैग जैसा, फ्लैग जैसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। मैं फिर से आपको नॉर्मल टेक्सटबुक में जाता नहीं हूँ, टेक्सटबुक शायद मैं जो भी ट्रेड करता हूँ मैं कभी करता नहीं हूँ। बस टेक्सटबुक ये होता है कि आप सीख लेते हो कि जो भी है कैसा होता है उसके बाद। तो एनी वे, तो अभी जेएसडब्ल्यू का ओवरऑल जो ब्रेकआउट है डेली में, ब्रेकआउट भी काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है जेएसडब्ल्यू का स्टील का जो 295। तो जेएसडब्ल्यू स्टील जिस किसने भी होल्ड रखा है उनको बोलो 250 के आसपास स्टॉप लॉस ला के रखने के लिए बोलिए, ठीक है। अगर ये ओवरऑल सब सस्टेन करता है तो जेएसडब्ल्यू स्टील का ब्रेकआउट हो गया है 152 से लेके 300। तो मतलब जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ से कम 350, 375 और 400 जेएसडब्ल्यू स्टील का जाना है। 350, 75 और 400, और स्टॉप लॉस हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील का 250। तो अभी जी जिस किसी ने भी जेएसडब्ल्यू स्टील रखा है उनको बोलिए होल्ड करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब 314 रुपये पे आ जाता है ना, मंथली लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो बस वो रेजिस्टेंस पे उनको थोड़ा सा बोलिए कॉशियस रहने के लिए। ओवरऑल जेएसडब्ल्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जेएसडब्ल्यू सब सही से होगा तो जेएसडब्ल्यू दिख रहा है यहाँ पे अनचार्टर्ड टेरिटरी में है। ओवरऑल 425 तक का जाने का पूरा उसका पॉसिबिलिटीज है जेएसडब्ल्यू स्टील का। उसका होराइजन होगा, टाइम लगेगा होराइजन के लिए कम से कम 6 से 1, मैं टाइम होराइजन तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, बट ओवरऑल इतना जाने का पॉसिबिलिटीज है। 350, 75, 400 से लेके ओवरऑल 425 तक जाने का पूरा पॉसिबिलिटीज है जेएसडब्ल्यू स्टील का। तो जो भी कोई अभी ज्वाइन किए हैं, अभी टोटल दो, एक दो गए वापिस, एक दो आए हैं, तो सुरेंद्र जी ठीक है आपका येस बैंक, तो मैंने येस बैंक का भी नोट कर लेता हूँ। तो जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, निफ्टी आउटलुक के बारे में हो गया, जो कोई लेट आए हैं आप एक बार देख सकते हो जाके। तो अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक लेता हूँ साइबर टेक, एक बार साइबर टेक दिखा देता हूँ क्योंकि इनका पहले ही था। अभी मैं आपको साइबर टेक करके स्टॉक है, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, देखते हैं कैसा होता है। हाँ ओके, साइबर टेक एनएसई, जो इसके पहले जो जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में था वो था एनएसई, ठीक है, वो बीएसई का नहीं था। और अभी आपके सामने जो दूसरा है साइबर टेक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जस्ट मैं नोट कर लेता हूँ साइबर टेक। नई पोजीशन लेना है तो कहाँ ले सकते हैं जेएसडब्ल्यू में इस सॉफ्टवेयर जी? अगर आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में लेना है तो 1 मिनट रुकिए, जस्ट मैं एक बार उसको सेव कर लूँ। साइबर टेक, चलो साइबर टेक, कुणाल जी अगर आपको नया पोजीशन लेना है तो ना एक बार 314 रुपया क्रॉस करने के बाद नया पोजीशन ले, या तो इसको वापिस से, अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 311, तो आप बेटर होगा ना आप इसको ना यहाँ से लीजिए, कहाँ पे 276 से लेके 300 के बीच में लीजिए। आपको स्टॉप लॉस वही मेंटेन रखना है जो इसके पहले बोला था, 250 के आसपास, ठीक है। 250 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, और 300 रुपये से लेके आप यहाँ तक ले सकते हो 270 रुपये से जेएसडब्ल्यू स्टील में, और टारगेट वही होने वाला है आपका भी, ठीक है। तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया। तभी मैं आपको साइबर टेक के बारे में ले चलता हूँ। कुणाल जी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपका पास, आप टेलीग्राम ऑलरेडी हो ना, आप वापिस ही पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से गाइड करूंगा। और जिस किसने भी मुझे साइबर इसके बारे में दिया, काफी अच्छा स्टॉक है, मैं भी इसके बारे में और कोशिश करूँगा, मैं भी खुद भी प्राइस, सॉरी इसमें एंट्री करने के लिए प्राइस निकाल दिया, ठीक है। अभी मैं जो आपके सामने जो है वो है साइबर टेक। तो साइबर टेक के बारे में मुझे किसने कहा, ओके नेक्स्ट 1 ईयर, प्रमोद जी आपका जो है टाइम होराइजन वो 1 ईयर का टाइम होराइजन है, ठीक है। कुमार जी आपका स्वागत है, आपका था आईओएल केमिकल के बारे में, ठीक है। आईओएल केमिकल भी मैं लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। अभी हम साइबर टेक में है। साइबर टेक जैसे मैं नॉर्मली कभी भी चार्ट देखता हूँ तो क्या करता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम में जाता हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम में पता चल जाता है कि इसका क्या है। ओके, तो आप देख रहे हैं आपको
मंथली टाइम फ्रेम में इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस चल रहा है। अभी मंथली याद रखना, मंथली मतलब ये महीने के पूरा क्लोज होने के बाद, आप लोग जो है आप लोगों को तो आइडिया होगा कि टेक्निकल्स कैसे, मतलब मंथली टाइम फ्रेम में पूरा मंथली होने के बाद मंथली में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है 94 रुपीज। अभी मैं जैसे कि नॉर्मली ऐड करता हूँ मेरे चार्ट में RSI और MAC, मुझे ये देखना है कि इसका कोई इंडिकेटर स्टार्ट है या नहीं है, तो मैंने RSI ऐड कर लिया और मैंने मैक ऐड कर लिया। तो देखिए इसमें RSI और मैक थोड़ा सा टायर्डनेस के आसपास लग रहा है, पर एनी वे ब्रेकआउट देने दीजिए, और जो ब्रेकआउट का लेवल होगा 94, ये मंथली है, तो अभी मैं इसके पहले एक बार डेली दे चलता हूँ, आपको कंफर्म लेवल बता देता हूँ। ओके आपको यहाँ पे मैं वीकली ले चलता हूँ, थोड़ा सा ब्रॉड थोड़ा सा कम दिखा दे रहा हूँ। ओह साइबर टेक काफी अच्छा, काफी लंबा स्टॉक है, तो 2000 से है। तो देखो अगर आपका ये है ना टाइम फ्रेम, काफी लंबा टाइम फ्रेम है, तो ना इसका बेटर होगा ना साइबर टेक सिस्टम का वीकली क्लोज दे लीजिए उसका। ठीक है प्रमोद जी, आपके लिए जो साइबर टेक है आपको दिख रहा है ये काफी लंबा टाइम फ्रेम है, तो बेटर है कि वीकली क्लोज दे लीजिए 94 रुपीज से लेके 100 के आसपास। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है ये है CMP 91। अगर ये वीकली क्लोज देता है 94 रुपीज से लेके 100 के आसपास, उसके बीच में आप कैच कर सकते हो, तो आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, आपको स्टॉप लॉस ये रखना है इसका 73, अगर आप ले सकते हो तो 73 73 यहाँ पे दिख रहा है। एक मिनट मैं आपको इसमें लिख देता हूँ स्टॉप लॉस 90 रुपीज बेटर रहेगा। तो आपको जो स्टॉप लॉस है 90 रुपीज रखना होगा, अगर इसका टारगेट अगर 90 रुपीज होल्ड रखते हो, 90 रुपीज अगर 100 रुपए के ऊपर आप बाई करते हो, तो आपको कम से कम इसका टारगेट जाना चाहिए यहां से, अगर मैं काउंट करूंगा 30 रुपए से 90, मतलब 60 रुपए जाना चाहिए, तो उसको कम से कम 120 से 150 रुपया जाना चाहिए साइबर टेक का। अभी हम देख लेते हैं कि इसका ओवरऑल कुछ आपको दिख रहा है कि नहीं। सुरेंद्र जी यस बैंक ठीक है, आपका भी स्वागत है सुरेंद्र जी यस बैंक, मुझे और किसी ने भी पूछा है तो एक बार। मार्क्सन सुरेश जी आपको भी मार्क्सन के बारे में, ठीक है मैं आपको बताता हूँ मार्क्सन के बारे में भी। तो एक बार ये साइबर टेक खत्म कर लीजिए, एक बार साइबर टेक खत्म, जैसे कि मैं साइबर टेक आपको स्टॉप लॉस बता दिया हूँ, स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका 90 के आसपास, इसका क्लोजिंग देना चाहिए 94 से 100 के बीच में, आप कैच कर सकते हो 120 रुपए से लेके 150 रुपए जाने का पूरा पॉसिबिलिटीज है। फिर से साइबर टेक अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा। जिस किसी ने मेरा पहला देखा है क्या बोलते इसको TCS, TCS जैसा स्टॉक है, ये भी काफी मजबूत ब्रेकआउट होगा, आपको दिख रहा है ये नेक्स्ट इसका जो है तो 200 के आसपास है, बट 200 तक वेट नहीं करेंगे, जब जैसा जाता है आगे तब वेट करेंगे, तो 100 से 120 से लेकर 150 के बीच में हम जाएंगे। ठीक है तभी तीसरा जो है कुणाल जी, 13 पीपल ऑनलाइन, सो आई थिंक 30 लाइक दे दो कुणाल जी, थैंक यू। अभी तक कितने लाइक्स मिले पता नहीं, मैं देख नहीं रहा हूँ, नॉर्मली मैं देखता नहीं हूँ, पर मुझे काफी अच्छा लगा लोग जो आए हैं 12 13 लोग, मेरा एक्सपेक्टर तो 10 के आसपास ही था, बट ये सरप्राइज हो गया मुझे, दो तीन लोग थे मेरे पहचान के भी है जो मुझे देखते रेगुलर। तो प्रमोद जी आपका जो है वो क्लियर हो गया। अभी मैं समीर जी का जो है एक प्राइमल इंटरप्राइजेस है, प्राइमल इंटरप्राइजेस के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये क्या हो गया प्राइमरी, चलिए किधर गया मेरा, एक मिनट मेरा प्राइमरी के बारे में मैंने पहला वीडियो बना मेरा। नो प्रॉब्लम, मेरे बच्चे लोग साथ में हैं तो जरा हेल्प करें, मैं मेरा बड़ा लड़का प्राइमल इंटरप्राइजेस, नहीं प्राइमल नहीं पिरामल है सॉरी। ओके समीर जी सॉरी थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैं भी आपको पिरामिड के बारे में चलता हूँ, सर हो सके तो वीकली या तो फोर्नाइटली ऑनलाइन आने के ट्राई कीजिए, ट्राई टू गिव वन पीक फ्रॉम योर वेबसाइट साइड 1 और 2 वीक टाइम फ्रेम। कुणाल जी मैं पूरा कोशिश करता हूँ, आपने जैसा बोला वैसा करने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा आने के लिए, पर रेगुलर तो वीडियोज होते हैं जब भी जैसे भी टाइम है, क्योंकि ऐसा एग्जैक्ट मेरा जॉब के हिसाब से मैं टाइम नहीं बता सकता हूँ, या तो मेरे को जमता नहीं एग्जैक्टली। ठीक है
तो ये जो ये पिरामिड इंटरप्राइजेस, समीर जी आपका शायद रिकमेंडेशन हुई होगा जो मैंने टेलीग्राम में बोला था, या तो आपने जो प्राइस में लिया है, तो ओवरऑल ये पिरामिड इंटरप्राइजेस का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पिरामिड के बारे में पहले भी मेरा काफी अच्छा चार्ट बना था, उसमें बुल फ्लो का जो है वो अभी भी है। तो पिरामिड जाने का चांसेस पूरा है 1700। जो मेरा चार्ट आपके सामने दिख रहा है वो मेरा पिरामिड का मैंने जो चार्ट बनाया हुआ था, ठीक है, तो इसका 1700 जाने का पूरा पॉसिबिलिटीज है ओवरऑल मीडियम टू, मतलब और टाइम फ्रेम, जैसे कि मैं फिर से टाइम फ्रेम के बारे में कुछ मुझे आइडिया नहीं है। पिरामिड का अभी जो डेली में जो सपोर्ट दिख रहा है, अगर आपने होल्ड रखा है अभी भी समीर जी, तो 1150 के आसपास आप तो ये रख सकते हो, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो। सर आपने काफी पहले लिया है, जैसे कि मैं आपको मेरा टेलीग्राम में बताया था, 1150 के आसपास रख सकते हो इसमें पिरामिड। 1150 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिए। इसका जो नेक्स्ट मूव आने वाला है पिरामिड के बारे में, ये ब्रेकआउट के बाद आने वाला है, ठीक है, तो आपको ये ब्रेकआउट का जो लेवल है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जो अभी आने वाला है 1300 से लेके 1310 के बाद, 1300 से लेके 1310 के बाद जो भी मूव आना है पिरामिड का, वो मुंह आना है और आपको फिर से लेके जाएगा 1500 के आसपास, और ओवरऑल पिरामिड का मेरा 1700 का टारगेट है। तो ये समय जी आपके लिए है फ्रेश, आपको 1150 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है, मुंह जो आने वाला है वो 1300 के ऊपर आने वाला है और टारगेट है 1500, ओवरऑल इसका 1600 से 1700 दिखने वाला है टारगेट, ठीक है। तो दो जन चले गए अभी, ठीक है, अभी पिरामिड इंटरप्राइजेस भी हो गया, अभी एयरटेल के बारे में आता। अमोल जी आपका भी स्वागत है, कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, मेरे को देखना होगा उसका, काफी वो स्लो मूविंग है, अभी मैं कोल इंडिया भी लिख लिया हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको एयरटेल के बारे में दे चलता हूँ, एक बार एयरटेल दिखा देता हूँ। एयरटेल भी जैसे कि काफी धोखा देने वाला स्टॉक है, इसने फिर से धोखा दे दिया जिस किसने भी रखा है भारतीय एयरटेल, इसका ब्रेकआउट होने के बाद भी ये चला नहीं है। तो एनीवे अगर एयरटेल जिसने मुझे पूछा है, जिन्होंने अगर मुझे आपका टाइम फ्रेम बता दोगे तो, अरबी जी आपका प्लीज टाइम फ्रेम बता दीजिए मुझे। ये सामने है अभी भारतीय एयरटेल के बारे में, देखो इसमें तो कुछ दिख तो नहीं रहा है, इसमें एक ब्रेकडाउन दिखने का पॉसिबिलिटीज है, पर ब्रेकडाउन आने का उसको बोलते हैं ना टाइम है ब्रेकडाउन आने के लिए उसको। मैं भी प्राइस लाइन निकाल देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, नहीं ब्रेकडाउन तो आ गया है एयरटेल का, वीकली बेसिस पर एयरटेल। ओके अभी जी मैं आपको वीकली बेसिस पर एयरटेल देता हूँ, अगर आप मुझे, अगर ने बाई किया है या तो लेना है, अगर वो भी बता देंगे तो अच्छा है, तो मैं लेने के लिए बेस्ट लेवल आपको बता सकता हूँ। डॉक्टर रेड्डी रुपेश जी, ठीक है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर रेड्डी के बारे में मैंने बनाया है वीडियो, तो एनी वे अभी मैं भारतीय एयरटेल जो है आपके सामने, ये आपको मैं डेली में देख लेता हूँ क्या है इसका सपोर्ट। तो ये भारतीय एयरटेल है आपके सामने, तो भारतीय एयरटेल का जो नियरेस्ट सपोर्ट है 395, अगर मैं एक बार RSI और MAC ऐड करूंगा अपना, जैसे कि मैं नॉर्मली देखता हूँ मेरे जो भी वीडियोस में अभी जो भी है, मैं काफी बार दिखाया भी हूँ RSI और MAC, तो RSI और MAC में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, मतलब चेंजेस मतलब कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये 395 का ब्रेक देता है भारतीय एयरटेल, तो देखो जो भी स्टॉक होते हैं ब्रेकआउट, मतलब दो तीन टाइप के होते हैं, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और ये बोलते हैं ना साइडवेज, तो ये तो अभी ब्रेकडाउन के हिसाब से आ गया है, आपने जैसा वीकली बोला है तो वीकली के बेसिस पे देता हूँ, देख लीजिए आप वीकली बेसिस पे, ये काफी लंबा सपोर्ट पे आ गया है। हरपी जी ये आपका जो है ना स्टॉक वीकली लेवल पे काफी अच्छे सपोर्ट पे आ गया है, ये 2011 से देखे दिख रहा है आपको, अगर मैं मंथली ले चलूंगा तो आपको समझ जाएगा थोड़ा। ये मैंने मंथली लेके गया टाइम फ्रेम, ताकि मुझे ये समझ जा रहा है कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या है।
अभी मैं एक नीचे से जो लाइन ड्रॉ किया है लाइन का कलर चेंज कर देता हूँ। अगर भारतीय एयरटेल 395 ब्रेक करता है डेली बेसिस पे तो 360 से लेके 362 आ सकता है। एंट्री पॉइंट एंड एसएल बता दीजिए सर। देखो अभी ना ओवरऑल एयरटेल में ना आरपीजी कोई एंट्री दिख नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो बेटर है कि वेट करेंगे इसका ब्रेकडाउन देने के बाद किधर आके रुकता है, क्योंकि ये जो अगर ये ब्रेकडाउन करता है 395 का, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ये काफी लंबे का सपोर्ट है। ये पूरा पॉसिबिलिटी से 289 रुपीज से लेके 330 तक आने का भारतीय एयरटेल। तो अभी एंट्री नहीं बता सकता हूँ इसका, बेटर है कि वेट करो एयरटेल में। एयरटेल का आप साइड में रहिए, 3395 से लेके नेक्स्ट सपोर्ट है इसका यहाँ पे 3281। तो अरपी जी थोड़ा वेट कीजिए, एयरटेल में घाई मत कीजिए देने का, आपको सस्ते में भी मिल सकता है, तो हम वेट करेंगे एयरटेल में, बेटर ये होगा। अभी मैं येस बैंक के बारे में दे सकता हूँ। थर्टीन लाइक्स, चलिए अभी एस बैंक के बारे में, एस बैंक के बारे में जिन्होंने मुझे पूछा है सुरेंद्र जी, अगर एस बैंक का मुझे बता दो कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आपको एंट्री करना है या आपने लिया है या तो आपको लेना है, कैसा क्या। हाँ रुपी जी आपको मैं डॉक्टर रेड्डी के बारे में बोलता हूँ। अरवि जी थैंक यू आपको भी लाइव आने के लिए, हो सके तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको जो भी आपके सामने जो चार्ट है, ये चार्ट जस्ट आपके सामने बन रहा है, तो बस आपको आइडिया शायद कुछ आ जाए कि इसमें जब भी आप देखते हो तो इसमें कहाँ से देखते हो, कैसे देखते हो। तो एस बैंक ये आपके सामने जो है वो एस बैंक है। मैं फिर से मेरा दो जो हथियार है इसको बोलते हैं ना आरएसए और मैक में ऐड कर लेता हूँ। इसे यही मालूम पड़ता है कि भाई सब में इसमें कुछ दम बाकी है या कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है। तो एस बैंक में तो कुछ डाइवर्जेशन दिख नहीं रहा है मुझे। ओके सुरेंद्र जी आपका 12 रुपये का बाई है, तो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है एस बैंक का 12 रुपया 60 पैसा है। अगर मुझे टाइम फ्रेम भी बता दोगे तो अच्छा है। जो भी कोई बता रहा है आपका स्टॉक आपने बाई किया है या सेल किया है, मतलब आपको बाई करना है या आपका टाइम फ्रेम क्या है, तो वो हिसाब से टाइम फ्रेम देखेंगे। तो 12 सुरेंद्र जी आपका 12 है। सुशील शर्मा जी थैंक यू। समीर जी थैंक यू आपका लाइव रहने के लिए। देखिए अभी जो सुरेंद्र जी आपका जो 12 रुपए का जो है ये एस बैंक आपका जो 12 रुपए का स्टॉक है, 12 रुपए में आपने जो लिया है आपको दिख रहा होगा, आपको मेरा मंथली टाइम फ्रेम है, तो ये ऑलमोस्ट ये काफी अच्छे इस पे आ गया, क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट पे आ गया है ये। अगर ये 12 रुपए का सपोर्ट ब्रेक करता है, अगर ये रुकता है, तो उसका एक नया सपोर्ट देखना होगा। इसका नया सपोर्ट क्या है 12 रुपए का आसपास, नहीं ये है इसका नेक्स्ट सपोर्ट है सीधा 8 रुपए के आसपास। तो इसमें कोई नया रिवर्सल दिख नहीं रहा है, ये साइडवेज है जैसा कि एयरटेल था। एयरटेल में कोई एंट्री बन नहीं रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे डेली में भी इसका काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो एस बैंक का मूवमेंट कब आएगा, एस बैंक का जब तक ये मूवमेंट आएगा नहीं कब तक, ये जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता है, ये ट्रेंड लाइन का प्राइस है आज के दिन में 13 रुपए के आसपास। इचर मोटर ठीक है, इचर के बारे में भी बताता हूँ। इचर भी काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छा रनअप हो चुका है। तो आपका जो एस बैंक के बारे में है सुरेंद्र जी, आपका जो मूवमेंट आना है एस बैंक का मूवमेंट आना है 13 साढ़े 13 रुपए के ऊपर। अगर जो ब्रेकडाउन देता है आपको दिखा है आपके सामने, एक मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये जो इमीडिएट सपोर्ट है इसका ये सपोर्ट है 12 रुपया 11.5 रुपया। तो एस बैंक अगर 11.5 के नीचे ट्रेड करता है तो चांसेस है और नीचे जाने का। अगर ऊपर जाना है इसको, तो ये कम से कम इसको ट्रेड करना है 13.50 रुपए के ऊपर। तो एस बैंक वेट कीजिए, एस बैंक में आपने जो लेके रखा है आप बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये दोनों लेवल का ध्यान रखिए, अगर बिलो 11.50 जाता है तो देखना इसका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आता है, अगर अबोव 13.50 जाता है तो इसका अपसाइड जो भी ट्रेंड आना है वो ऊपर की ट्रेंड आना है। तो एस बैंक जो आपके सामने है, एस बैंक भी हो गया ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो मैं मेरे वीडियो के एंड में मेरा अपना सब डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैं ये अपना उसको टेलीग्राम वगैरह के, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मली बताता हूँ जब भी मुझे टाइम मिले तब, ठीक है। सुरेंद्र जी सर होल्ड करे या सेल करे, अगर आप एस बैंक के बारे में पूछ रहे हो होल्ड करे या सेल करे, तो देखो उसमें
कुछ बचा नहीं है। आप डिपेंड आपका क्वांटिटी कितना, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि आपको इतना अगर डिटेल में चाहिए आपको, तो बेटर होगा आप फाइनेंशियल एडवाइजर में देख लोगे तो, क्योंकि हो सकता है ना आपका ट्रैक रखेंगे। आयुर्वेद केमिकल प्लेस, हाँ कुमार जी आपको मैं आयुर्वेद के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर आप रुकते हो तो आपको देखो यहाँ पे जो मैं प्राइस बताऊँ, प्राइस के आसपास वेट कीजिए। अगर प्राइस ब्रेकडाउन देने के बाद देखेंगे इसका सपोर्ट, क्योंकि इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो दिख रहा है 8 रुपए के आसपास दिख रहा है इसमें। एनी व्यूज फॉर लॉन्ग टर्म? यस। एनी व्यूज ऑफ? यस सुशील जी, येस बैंक के बारे में तो आपको याद होगा मैं काफी पहले वीडियो बना चुका हूँ येस बैंक के बारे में, से नो टू येस बैंक, मेरा यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब में मैंने दिया है कि इसका काफी नीचे है। तो एनी वे येस बैंक के बारे में अभी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, बस 2 लेवल पे वेट कीजिए, 13.5 रुपए के ऊपर, 13.50 रुपए के ऊपर, या तो 11.50 रुपए के नीचे। अभी येस बैंक के बारे में ज्यादा उतना नहीं बता सकते, अभी मैं चलता हूँ आईओएल केमिकल के बारे में। सुरेंद्र जी कोशिश पूरा किया हूँ इसमें बताने के लिए, कवर करने के लिए, अब देखते कैसा होता है आईओएल केमिकल्स के बारे में। सुरेंद्र जी आपका भी थैंक यू। समीर जी आपका एक नया है स्टॉक ट्राइडेंट, ये भी अच्छा स्टॉक है काफी, मेरे रडार में है ये ट्राइडेंट। आप भी स्टॉक काफी अच्छे चुन चुन के लाते हो, काफी टाइम से आप बोल रखता है। तो आईओएल केमिकल के बारे में मुझे किन्ने ने पूछा था, ओके कुमार जी आपका आईओएल के बारे में है। अगर मुझे आप टाइम फ्रेम या तो एंट्री किए हो या कैसे है क्या है, अगर थोड़ा बहुत हिंट दे दोगे तो आपको मैं और बता सकता हूँ उसमें। जो आईओएल केमिकल का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो सपोर्ट होने वाला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दिया है। अभी जो आईओएल केमिकल का जो डेली का जो क्लोजिंग प्राइस दिया है लास्ट 700 रुपया, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 575 के आसपास। अगर 575 ओके एंटर किया है आपने 730 रुपये पे, ओके तो अभी रिसेंटली एंट्री होगा आपका। काफी अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद काफी अच्छा रनअप भी किया है आईओएल केमिकल फार्मा का है ये। देखो ये है इसमें जो आईओएल के बारे में जो वीकली है, वीकली काफी डाउटफुल होता है, ये जो कैंडल होता है ना लॉन्ग लेग डॉजी बोलते हैं इसको, जो ये कैंडल्स जो कैंडल है आपके सामने ये है लॉन्ग लेग डॉजी, जो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है ठीक है। तो अगर आईओएल केमिकल के बारे में अगर तो आपने रखा है तो 575 के आसपास आप स्टॉप लॉस रखिए, उसके बाद अगर आपके पास है तो आप मुझे पूछिए, मैं वापस बताऊंगा। अगर 575 का स्टॉप तो अगर ब्रेक करता है तो आपका इमीडिएट सपोर्ट होता है 400 रुपए के आसपास। आईओएल के बारे में जो ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है ये लाइन के ऊपर जो है 800 रुपए के ऊपर। तो आईओएल केमिकल के बारे में ये सब है, जो सपोर्ट है ये 575 400 रुपया, और जो ब्रेकआउट जो देने वाला है आईओएल के ये होने वाला है इसके ऊपर 792, मतलब 800 रुपए के आसपास। तभी तक उसमें कोई मूवमेंट बताया नहीं जा सकता आईओएल के बारे में। इसमें बस मैं थोड़ा सा मेरा आरएसए और मैक ऐड कर लेता हूँ मैं। तो कुमारी इसमें ना आईओएल केमिकल के बारे में इसमें कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है, रिवर्सल इन द सेंस मेरा जो स्टॉक है ऊपर जाने का, मतलब ये स्टॉक है ऊपर, क्योंकि आप दिख रहे हैं यहाँ पे आरएसआई अगर देखेंगे और आरएसआई और मैक दोनों कंपेयर करें तो आरएसआई मैक में पूरा डाइवर्जेंस क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। तो पॉसिबिलिटीज है आईओएल के बारे में 575 के टच के, अगर 575 ब्रेक करता है 2 या 3 दिन रुकता है तो 400 रुपया पूरा आने का चांसेस है। तो इसमें कोई पॉजिटिव दिख नहीं रहा है, बस आप ये वेट कीजिए कि ये सपोर्ट तक आने के बाद देखे क्या करते हैं। तो आईओएल के बारे में हो गया, अगर आपको कुछ आईओएल के बारे में कुछ होगा तो आप पूछ सकते हो। सर व्हाट यू प्रेफर मोर फॉर एंट्री इन अ स्टॉक, चार्ट टेक्निकल फंडामेंटल ऑफ कंपनी और ग्रोथ? अभी जी मैं फंडामेंटल्स के बारे में कभी ज्यादा देखता नहीं, क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज होने में, फंडामेंटल्स फॉर एग्जांपल एक आप देखोगे अभी ये कोरोना के सिचुएशन में जितने भी चीज है वो आईटी सेक्टर काफी अच्छे है। आईटी सेक्टर का आपको जो भी रिजल्ट आने वाला है वो नेक्स्ट क्वार्टर में आने वाला है, आपका जो भी कंपनी का बैलेंस शीट जो भी चेंज होने वाला है वो नेक्स्ट क्वार्टर टू क्वार्टर चेंज होने वाला है।
उसके पहले तो काफी रनअप हो जाएगा आपको टेक्निकल में, तो बेटर है कि मैं टेक्निकली कैच करता हूँ। टेक्निकल में हमको जल्दी दिख जाता है सब चीज, लेकिन क्योंकि जब से स्टार्ट किया मैं टेक्निकली देखता हूँ, उससे ज्यादा कुछ देखता नहीं। ठीक है, तो अभी मैं कोल इंडिया के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखो हर स्टॉक में ना एंट्री करने के बाद ट्रेड बनता है नहीं बनता है, ऐसा नहीं पकड़ कर चल सकते कि एंट्री होता है या नहीं होता है। बस आपको देखना है कि आपको कि मैं ब्रेकआउट पे ले रहा हूँ या तो ब्रेक डाउन पे ले रहा हूँ, जो भी है, तो वो एक इम्पोर्टेंट होता है। कोल इंडिया जिस किसी ने मुझे पूछा है, एक बार अगर मुझे बता दोगे आपका कोल इंडिया किसी ने पूछा है, कोल इंडिया ओके ट्राइडेंट ओके कोल इंडिया में, इसमें कुछ डेली में तो एक अच्छा कैंडल दिख रहा है, पर अगर वीकली में जाएगी मंथली में आएगी तो ब्रेक डाउन दे दिया है। कोल इंडिया में कुछ रिवर्सल नहीं है। अगर डेली में देखो, डेली में ना यहाँ पे कोल इंडिया का 3 बॉटम दिख रहा है। कोल इंडिया में पहले बोला था बाय करने के लिए, अभी मुझे देखना होगा तो स्टॉप लॉस कैसा है या तो मेरा चार्ट कैसा है। अगर कोल इंडिया ये ब्रेक करता है इसका 109, अगर 109 का इसने ट्रिपल बॉटम बनाया है, तो ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद ही जो भी आप आना है देखते, इसमें कोई बता नहीं सकते, क्योंकि इसका ना कोल इंडिया आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसने काफी बॉटम बनाए थे, यहाँ पे भी 3 बॉटम फिर डाउन ट्रेंड, 3 बॉटम और डाउन ट्रेंड। कोल इंडिया का ओवरऑल ट्रेंड चालू है डाउन ट्रेंड की तरफ। तो कोल इंडिया का ब्रेकआउट लेवल क्या है आपके सामने, जो मैंने लाइन बनाया है वो लाइन है कोल इंडिया का ब्रेकआउट का लेवल। अगर कोल इंडिया ब्रेकआउट देता है 115 के ऊपर तो बाई बन सकता है नया बाई, और इसका स्टॉप लॉस होगा 108 के आसपास, एकदम स्टॉप, ये एकदम नजदीक का है ये कोल इंडिया। पर इसमें याद रखिए काफी थका हुआ स्टॉक है, इसका स्टॉप लॉस बनेगा कोल इंडिया का 105, पकड़ लीजिए स्टॉप लॉस। ये देख रहा है, ये डेली का है आपका, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम है। तो ये कोल इंडिया का इतना ही बनता है इसमें, ये कोल इंडिया का जो भी ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट होने का 115 के बाद और स्टॉप लॉस 105। ठीक है, तो अभी कोल इंडिया हो गया। अभी डॉक्टर रेड्डी के बारे में, चलेगा अभी डॉक्टर रेड्डी का मैंने मेरा मेरा वीडियो मैंने बनाया है डॉक्टर रेड्डी के बारे में, अगर जिस किसी के पास मेरा जाके यूट्यूब में देख सकते हो, तो ओवरऑल डॉक्टर रेड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर रेड्डी का काफी अच्छा है ये। डॉक्टर रेड्डी का नेक्स्ट मूवमेंट आने वाला है ये ब्रेकआउट के बाद आने वाला है। डॉक्टर रेड्डी का जो भी मूवमेंट आएगा ये ब्रेकआउट के बाद आएगा। क्या है इसका ब्रेकआउट का लेवल, 5,250। डॉक्टर रेड्डी का जो भी मूवमेंट आने वाला है 5,250 के ऊपर ही आएगा ब्रेकआउट का लेवल। ठीक है, और आपको स्टॉप लॉस रखना है 4,700 रुपये का। अगर ये 5,250 के ऊपर आता है ये ब्रेकआउट के ऊपर, तो ये पूरा पॉसिबिलिटी से नया देने का है ये। और मैंने शायद ये डॉक्टर रेड्डी का जो भी अगर नया मूवमेंट आना है 5,250, अगर स्टॉप लॉस सकते हो 4,700 रुपये का, तो अगर इसका वीकली में मैंने मेरे पहले भी बताया है, मैंने वीकली दिख रहा है आपको ये, अगर ओवरऑल डॉक्टर रेड्डी अगर होल्ड रखते हो तो आपको डॉक्टर रेड्डी का पूरा पॉसिबिलिटीज है 2,000 से लेके 4,000, मतलब डॉक्टर रेड्डी का पूरा 6,000 रुपये तक जाने का पॉसिबिलिटीज है डॉक्टर रेड्डी का। तो जिस किसी ने होल्ड रखा है मेरा प्रीवियस वीडियो का बेस पे, तो होल्ड रखिए, स्टॉप लॉस टारगेट उसमें बताया था। इस किसी को नया एंट्री किया है तो ये याद रख लेना आपका ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ये दिख रहा है आपको ये जो रीसेंट है ये 4,700। आप ये ट्रेलिंग भी कर सकते हो, स्टॉप लॉस दिक्कत नहीं है। तो स्टॉप लॉस 4,700, मूवमेंट 5,250 के ऊपर, और जो भी है आने वाले दिनों में 6,000 का पूरा पॉसिबिलिटीज है, मैं मेरे पहले के वीडियो में बताया है। अर्पित जी आपका RSA मैक को आपका थैंक यू, ओवरऑल किस बेसिस पे बोलते हो प्लीज, इफ पॉसिबल टू एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अर्पित जी देखो अभी तो 8 लोग ही रह गए, अगर मैं आपका जो RSA मैक के बारे में मैं ना कोशिश करूंगा, मेरा प्री रिकॉर्डिंग जैसे कि मैं इसके पहले बेसिस ऑफ चार्ट था जो एकदम काफी बेसिस था, एक जो बनाया था वीडियो में, वैसा RSA और मैक के बारे में आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा। ठीक है, सुशांत जी आपका जो नया है इंजीनियर्स इंडिया, तो अभी जो कहां तक है कोल इंडिया हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, अभी मैं ट्राइडेंट की तरफ चलता हूँ।
मार्क सन भी एक है। इंजीनियर इंडिया के बारे में सुशांत जी, मैंने ना पहले भी मेरे वीडियो में बोला था, पर वो स्टॉपलेस हिट हो गया, वो स्टॉक चला नहीं जैसा चलना चाहिए था। ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट का जो भी ब्रेकआउट लेवल आने वाला है ब्रेकआउट पे, क्योंकि ये है कि ना ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग, इसे अगर जो भी है ये ब्रेकआउट होने के बाद ही होगा। कितना है इसका ब्रेकआउट का लेवल? 9 रुपए के आसपास। ये देखो यहाँ पे ना, इसने ना ट्राइडेंट ने पहले कोशिश भी किया था, ट्राइडेंट ने यहाँ पे भी कोशिश किया था, एक दिन क्लोज भी हुआ है, यानी 8 रुपये 55 के ऊपर। बेटर है कि 9 रुपए के बाद ही ट्रेड करने दीजिए इसको। अगर ट्राइडेंट 9 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तो काफी अच्छा ये इसमें आ जाता है। अगर 9 रुपए का ट्रेड करेगा ऊपर तो ये 10 साढ़े 10 रुपए ही दिख रहा है यहाँ पे, ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है। अगर 10 साढ़े 10 11 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट करता है ट्राइडेंट, तो फिर इसका 13 से लेके 14 रुपए जा सकता है ट्राइडेंट का। और ट्राइडेंट जिस किसी ने होल्ड रखा है, ट्राइडेंट आप रखिए 6 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस। ये काफी डीप हो जाता है, पर ट्राइडेंट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है स्टॉक में, ठीक है? तो ये ट्राइडेंट का ओवरऑल ऐसा पॉसिबिलिटीज है जाने का। अभी मैं आपको ना मार्क्सन फार्मा के बारे में ले चलता हूँ। मार्क्सन फार्मा काफी पहले पूछा था, मैं रह गया मेरा बताना। ट्राइडेंट जिस रखा है, जिस किसी ने रखी है, ओवरऑल पॉजिटिव है। मेरे भी चार्ट, मेरे नॉर्मल चार्ट में बनाया है, चार्ट काफी अच्छा दिख रहा है। सुशांत जी, मैं आपको इंजीनियर इंडिया के बारे में बोलता हूँ, मैं आपको पानी में। आपके सामने जो है ये मार्क्सन फार्मा है। सुरेश जी, आपका जो है ये वीडियो है, ये वीडियो बोलो, आपका जो है स्टॉक है मार्क्सन फार्मा डेली में। आपको मुझे पता है आप काफी टाइम पे होल्ड रखने वाले हो, तो मार्क्सन फार्मा अगर ये डेली में जो ब्रेकआउट देने वाला है, ये ब्रेकआउट ये भी अच्छा है पैटर्न, पर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर मार्क्सन ये ब्रेकआउट देता है 57 के ऊपर तो अच्छा होगा। इसका जो इमीडिएट ये होने वाला है 42 के आसपास। इसका करंट मार्केट प्राइस है 51 रुपीज। मार्क्सन का जो है करंट मार्केट प्राइस है 51 रुपीज। इसका जो स्टॉप लॉस रखने का है आपको, अगर आप, मुझे पता है आपको लंबा है, लंबे टर्म के लिए 45 रुपीज, और जो आपको आना है इसका 56 के ऊपर। मार्क्सन ओवरऑल ठीक है, मार्क्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्सन आपको दिख रहा है यहाँ पे भी, सूरज जी आपका जो है ये यहाँ पे आपका काफी लंबा है रेजिस्टेंस 57। तो बेटर अगर मार्क्सन 57 के ऊपर अगर होल्ड रखता है, मार्क्सन फार्मा 57 के ऊपर, तो आप यहाँ से टारगेट गिन सकते हो 12 रुपए से 50। तो आपका नेक्स्ट ये होने वाला है 100 के आसपास। तो मैंने शायद मेरे पहले के वीडियो में बताया, अगर होल्ड रखे तो होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरा मेरा नंबर तो है, आप तो पूछ सकते हैं कभी भी। मार्क्सन फार्मा होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 57 58 के ऊपर अगर वीकली बेसिस क्लोज देता है, तो इसमें कोई भी इसका ये नहीं आता, क्या बोलते हैं इसको, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे। मार्क्सन सीधा 100 के आसपास जा सकता है, तो मार्क्सन रखिए। अभी इंजीनियर्स इंडिया के बारे में, अभी जो है आपके सामने ये इंजीनियर्स इंडिया है। इंजीनियर्स इंडिया का जिसने पूछा मुझे, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उसका एंट्री पॉइंट क्या है, कैसा है। तो मैं फिलहाल जो आपको सपोर्ट है, जो रेजिस्टेंस है, वो दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इंजीनियर्स इंडिया के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, और ये चला नहीं वैसे स्टॉक। उसमें मैंने बाई बोला था कुछ लेवल्स पे, और कुछ अवॉइड करने के लिए बोला था, मुझे भी देखना होगा प्राइस लाइन, ठीक है? तो अभी इंजीनियर्स इंडिया में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहा है, मतलब कोई पॉसिबिलिटीज, मतलब इसमें कोई चीज, इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। एक मिनट, मेरा आर एस ए माइक भी ऐड कर लीजिए।
बस आपके सामने जो भी है मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। जो इंडिजिनस इंडिया का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 61 रुपीज, इसका इमीडिएट सपोर्ट है 59 रुपीज। मैं अभी देख लेता हूँ आगे कैसा कनेक्ट होता है। ये 59 रुपीज, 59 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी वीकली में भी कुछ बार रिटर्न किया है स्टॉक। अगर 59 अगर रुपीज होल्ड रखता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसका पूरा पॉसिबिलिटीज है नीचे आने का, क्योंकि इंडियन सिनेरियो में कुछ रिवर्सल भी नहीं है। अगर वीकली में देखने गए तो वीकली जो कैंडल है कैंडल में भी कुछ दम नहीं है, डेली में कुछ है, बट थोड़ा वेट कीजिए। अगर 59 का अगर होल्ड रखते हैं तो इसमें फिलहाल इसमें कोई बाय या तो कोई सेल का कोई ये नहीं है, बस ये देखते हैं कि यहाँ पे अभी कहाँ पे नया बेस बनता है। क्योंकि अगर ये 59 का ब्रेक होता है तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ का जो होने वाला है पॉसिबिलिटीज ये हो सकता है, ये नेक्स्ट सपोर्ट है 59 के बाद जो है 49, तो 45 के आसपास इंजीनियर्स इंडिया दिखने का पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज है इन द सेंस 59 बिलो 45 तक है, जब तक कोई रिवर्सल नहीं आएगा तभी तक। सर आप वेट करिए रिवर्सल होने का, अगर रिवर्सल होता है या नहीं तब देखेंगे। तो सुशांत जी इंजीनियर्स इंडिया के बारे में ये है आपका, दिस इज ऑल योर एक्सपीरियंस राइट, नो रिकमेंडेशन फ्रॉम सेबी। अशोक जी थैंक यू, मैं कोई सेबी का रजिस्टर नहीं हूँ जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है सर, बस आपके जो भी क्वेरीज है, जो भी अगर जो जो लोग मेरे लाइव में अभी आए हैं उनको पता है कि ये लोग जितने भी वीडियोस देखे हैं क्या देखे हैं, तो उनको पता होगा कि कितने परसेंटेज स्टॉक से रिकमेंडेशन जो होते हैं वो सही होते हैं और कितने गलत होते हैं, तो उनको कुछ विश्वास होगा और बेसिस पे आए हैं। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करता हूँ मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है मैं एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो अभी तक हमने JSW स्टील, पिरामिड एंटरप्राइजेस, साइबर टेक, एयरटेल, येस बैंक, IOL केमिकल, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, ट्राइडेंट, जीनियस, मार्क्स एंड फार्मा, आई होप मैंने किसी का भी स्टॉक रखा या तो भूला है या कुछ नहीं, सब मैंने कवर किया है। आफ्टर चेसिंग करें 70 बैक टू 1280। तो कुछ और क्वेश्चंस है किसी के? अभी तक 12 लाइक आ गए हैं, आप सभी का थैंक यू। प्ले लिस्ट हो गया है ऑलमोस्ट, कई बार पता नहीं भी क्या है कैसा है। सर जी ग्रैन्यूल्स, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, आपका समझ आपका, मेरा ग्रैन्यूल्स के बारे में एक रह गया, मेरा ग्रैन्यूल के बारे में मैं बोलता हूँ। ग्रैन्यूल के बारे में आपको आपने शायद पहले से दे रखा है, मेरा लास्ट का जो रिकमेंडेशन था वो ग्रैन्यूल में कोई ये नहीं है, क्या बोलता है उसको, रेजिस्टेंस नहीं है और इसमें कोई भी ये नहीं है, क्या बोलते इसको, थका भी नहीं है स्टॉक। मैं फिर से एक बार ग्रैन्यूल देख लेता हूँ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में होल्डिंग है काफी पहले से है, और मेरे पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि ग्रैन्यूल्स लेने के लिए मेरा ब्लॉग पे, अगर मेरे ये मेरा ब्लॉग है ओवरऑल, मेरे ब्लॉग पे मेरे 3 या 4 साल से लिख रहा हूँ। तो जो भी कोई मेरा ब्लॉग विजिट करेगा या तो देखेगा, आपको स्टॉक सर्च करना था बस यहाँ पे सर्च मारोगे तो आपको स्टॉक मिल जाएगा, अगर आप नहीं देखना है तो आपको, तो नहीं आपको स्पेलिंग टू स्पेलिंग जाना है। एक बार मैं ग्रैनो के बारे में बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ना ग्रैनो काफी पहले बोला था लेने के लिए, ग्रैन्यूल्स तो चलो ग्रैन्यूल्स मेरे स्टॉक पे दिया, मेरे ब्लॉक पे दिया है, मैं पहले से हटा दू यहाँ पे हाइड कर दू, क्योंकि वो जो वो मार्क्स होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं, और कुछ नहीं इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये आपके सामने है ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल्स इंडिया, देखो जैसा कि मैं नॉर्मली बोलता हूँ इसका ट्रेंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये मैंने स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी होल्ड रखा है, ट्रेंड ऊपर ही है ग्रैन्यूल्स इंडिया। समीर जी आपका स्टॉक है, आपने भी मुझे पता लेके रखा है ये स्टॉक, तो बने रहिए स्टॉक में, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ओवरऑल सब ये सेक्टर भी काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मंथली में कोई भी इसका ये नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस नहीं है ग्रैन्यूल्स इंडिया के बारे में, और ये मेरा ओवरऑल ब्रेकआउट के आसपास था, और मैंने कुछ रिकमेंडेशन काफी पहले दिया है, ऑलमोस्ट स्टॉक डबल होने को आया है या क्या कैसा है मुझे देखना होगा। अब तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ ग्रैन्यूल सर्च करने के लिए, मैंने कौन से लेवल पे दिया है, मेरे पोर्टफोलियो में भी पड़ा है स्टॉक, मैंने बेचा नहीं क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है रेजिस्टेंस। ये जैसे मेरा इन्फोसिस, TCS और टेक महिंद्रा भी एक मैंने रिसेंटली दिया है, वो भी देख सकते हो। ओके हाँ, ग्रैन्यूल्स इंडिया आपके सामने दिख रहा है, ये 2 जुलाई को मैंने बोला था 213 और टारगेट 240 प्लस, ये मेरा 2 जुलाई के आसपास मेरा ग्रैन्यूल्स इंडिया का बाइंग है, मेरे पास भी पड़ा है और मैंने रखा है, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया होल्ड रखिए कोई दिक्कत नहीं है।
बस ये याद रखना कि ये जो कैंडल है मंथली वाला, ये ऐसा क्लोज नहीं होना चाहिए, क्लोज अच्छा खासा देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी क्लोज दिया ये लेवल पे तो फिर इसको डबल टॉप माना जा सकता है। और टॉप देखने गए तो इसका बराबर 406 और 406, तो पूरा कोशिश ये होना चाहिए कि ये मंथली में 406 के ऊपर ही ये क्लोज दे और ग्रैंड इंडिया में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है, अगर आपने ये बेसिस पे लिया है 213 के आसपास, तो आप ग्रैंड इंडिया का ये स्टॉप लॉस रख सकते हो 300 के आसपास। आई होप कुछ क्वेरीज बचानी है। 9 लोग हो गए, तो ग्रैंड न्यूज इंडिया आपका जो ट्रेनिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 300 रुपया होना चाहिए, और इसका ट्रेंड में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मंथली 400 रुपये के ऊपर क्लोज देगा तो मैं जो मंथली कैंडल बताया था, मंथली कैंडल काफी अच्छा हो जाएगा। देखा आपको मंथली कैंडल, ये मंथली कैंडल डबल टॉप है, ये बस डबल टॉप नहीं बनना चाहिए फिर प्रॉब्लम होगा। तो 400 के ऊपर मंथली पूरा बेस क्लोज होना चाहिए। समीज आपका ग्रैंड न्यूज इंडिया भी मैंने कवर कर लिया, बने रहिए, जो भी लेवल्स बताए वो लेवल्स पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, हो गया तो अभी मैं आज के लिए काफी। ठीक HDFC AMC इज गुड टाइम टू बाय ऑन मंथली लेवल, HDFC AMC। ठीक है, मैं देखता हूँ HDFC AMC के बारे में, शायद मैंने ये मेरे पहले भी मैंने बताया था। HDFC AMC ये कोई स्टॉक नहीं है, राइट अर्पित जी? ठीक HDFC AMC कोई चार शायद स्टॉक नहीं है HDFC के बारे में, क्योंकि मैं HDFC AMC डाल रहा हूँ यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा है। HDFC AMC बोले तो आप म्यूचुअल फंड में जा रहे होंगे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं म्यूचुअल फंड के बारे में। वैसे मैंने म्यूचुअल फंड बाय किए मेरे खुद के होम वर्क से, वैसे मैं काफी कुछ देखा हूँ। तो जैसे कि मैंने HDFC डाला, HDFC के इतने ही ऑप्शन आ रहे हैं, HDFC बैंक लाइफ इंश्योरेंस, HDFC ओनली। ओके, तो HDFC में भी काफी है, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस है, बाद में HDFC बैंक है। अभी जब मुझे बता दोगे तो क्लियर अच्छा हो जाएगा। HDFC बैंक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अर्पित जी, आप मुझे पूछ सकते हो टेलीग्राम में, आपका टेलीग्राम के पास, आपका पास तो है, मैं जब भी जैसे ही मुझे फुर्सत मिलेगा मैं HDFC के, मैं आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया जो भी ऑनलाइन आए हैं उनके लिए। ठीक है, आपके होप्स हो सके तो मैं पूरा क्वेरीज पूरा सॉल्व किया हूँ। अगर जब भी रहेगा आपको कोई भी डाउट आप मुझे पूछ सकते हो, जैसे कि पहले भी पूछ रहे थे, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। अभी मैं फिलहाल वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप सभी का थैंक यू।